यार सीन जब होने होते हैं ना हो जाते हैं। गाड़ी मैंने लॉक कर दी थी पार्किंग के अंदर, ठीक है। अभी चाबी जेब में ढूंढा है नहीं, और चाबी उधर अंदर रह गई, सूख गया ना, ये नहीं निकलता। ठीक है भाई, लगता है आपको निकलेगा, हो जाएगा जी सर पक्का। तो गाइस अभी हमने शॉपिंग सारी कर ली है कल की, कुछ मतलब 20-30 हजार का डूब दिया हमने, आग लगा दी उसको हमने। सेम वही चीज हम लोग रिपीट कर रहे थे, हम लोग नहीं डिगी भाई रिपीट कर रहे थे। कहाँ भाग रहे हो? हाँ फिर दो दिन से गायब, तू कहाँ है भाई? रुकी रुकी कंटेंट, स्टे ट्यून्ड प्रो गाइस, सारे सब्सक्राइब करो यार। हाँ जी, आज बहुत टाइम के बाद आपका भाई चला रहा है अपनी जिप्सी 20 भाई, मजा अलग है भाई। लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है, आप इतने टाइम से लेके मतलब एक हैचबैक चला रहे हो, एक मतलब लग्जरी गाड़ी बोल सकते हो आप, ठीक है, जिप्सी से अगर कंपेयर किया जाए, एक लग्जरी गाड़ी आप बोल सकते हो। उसके बाद जिप्सी में शिफ्ट हुआ ना भाई, हार्डकोर बिल्कुल रॉ फीलिंग भाई, मजा आ रहा है काफी ज्यादा। अब थोड़े दिन भाई जिप्सी चलाएगा क्योंकि रैली है ना। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे रांगड़ी तक, वहाँ थोड़ा सा काम है मेरे को, पुंटो पिछले के वहाँ खड़ाई हुई थी उसका काम है, बाकी इसको वॉश वॉश कराना है, बैंक के काम है, मतलब आज 3-4 काम, पर्सनल काम भी जरूरी है, मतलब अपने काम भी करने जरूरी है, तो वो सारे करके घर जाऊंगा, फिर उसके बाद एडिटिंग करके निकलूंगा, बाकी काम करते घर से तो निकल गया हूं मैं, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते आज की वीडियो में तक बने रहना, ठीक है। और अभी ऑफ रोड करते हैं, ऑफ रोड जिप्सी का ही फायदा है, देखो निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बाकी गाड़ी में सोचना पड़ता है कहीं टच ना हो, ये ना हो, इसमें निकाल दो। यार सीन जब होने होते हैं ना हो जाते हैं। गाड़ी मैंने लॉक कर दी थी पार्किंग के अंदर, ठीक है। अभी चाबी जेब में ढूंढा है नहीं, और चाबी उधर अंदर रह गई। ओ यार, ऊपर से मेरे सारे शीशे भी लॉक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मैं मतलब नीचे बैंक तक गया, जैसे वापस आया चाबी ढूंढ रहा हूँ जेब में, चाबी नहीं है, चाबी अंदर रह गई। चलो जी, एक मिनट भी नहीं लगा मैंने गाड़ी खोल दी। चलिए, एकदम ही भूल गया मैं यार, मैंने चाबी का देखा, चाबी अंदर ही है। तो मैं घर से निकल रहा हूँ काफी ज्यादा लेट, बाकी ड्रोन वगैरह अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना जो अपना FPV उसके ऊपर GoPro का सेटअप फिट करना है, क्योंकि कल से रैली स्टार्ट हो रही है और आज है स्क्रूटनी, आज भी स्क्रूटनी है, कल भी स्क्रूटनी है, और जो अपने बंदे हैं ना वो शोरूम है, मतलब जिस होटल में जहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है वो लोग सब वहाँ पहुंचे हुए हैं। उससे पहले मेरे को जाना है जिप्सी लेके, थोड़ी वॉश भी करानी है और चेकअप भी कराना है इसका, और उसके बाद निकलेंगे उन लोगों के पास। सर ये अपनी जिप्सी जब से लेके मैं गया हूँ, मैंने नहीं चलाई है ना, तब से लेके वॉश ही नहीं हुई है, आज जाके वॉश हो रही है आफ्टर लॉन्ग, मतलब क्या चमक रही है, पता है क्यों चमक रही है, क्योंकि धूप पड़ रही है वहाँ से डायरेक्ट, और रैली में भी जाने वाली नहीं, फिर से गंदी हो जाएगी। लेकिन एक चीज है कि अंदर से गाड़ी को हम साफ रखने की कोशिश करेंगे, बाहर से तो ऑब्वियसली ऑफ रोड टायर लगाए हुए गंदी तो होगी, मतलब मॉडिफिकेशन भी चाहिए और ये भी चाहिए कि गाड़ी गंदी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप लोगों को एक चीज चूज करनी पड़ेगी और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैंने चूज किया हुआ कि मेरे को लुक चाहिए गाड़ी में, और लुक के यार परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रोड रिम के साथ क्या होता है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी। गाड़ी में साउंड पता है किस चीज का था, जो लेफ्ट साइड का मेन पट्टा है ना, ये देखो टूट गया है पूरा, और मेन के साथ एक और पट्टा, मतलब दो पट्टे टूटे हुए, सच्ची है आवाज करती, मतलब ब्रेक मार रहा हूँ तब आवाज आ रही है, एक्सीलरेटर एकदम दे रहा हूँ फिर आवाज आ रही है, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट काटते हुए आवाज आ रही थी। अपनी गाड़ी में सारे कंप्लीट थे पट्टे, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जब ले से आते हुए टूटे थे, राइट का नया है, पीछे के दोनों नए थे, लेफ्ट का बचा था ना, ये भी नया डल जाएगा। डिगी भाई वगैरह ना मेरे को सुबह से लेके फोन कर रहे, मैं सुबह से बिजी था, अभी भी गाड़ी का काम करा रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो वो कहते काम को लोकेशन भेज दे, हम लोग ही तेरे पास आ रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आ रहे। वैसे मैंने उनको बोले काम करो रेंगुलर लेके आओ, थोड़ा शूट वगैरह भी कर लेंगे हम लोग, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी ला रहे हैं। बाकी यहाँ पे अपने पट्टे का काम हो रहा है, और इसमें भी एक पट्टा एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे मेरे लगे हैं आगे लगे सब में एक पट्टा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इस वाले में भी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, और पट्टे में पूरा कंप्लीट सेट डाल रहा हूं, वो भी जेन्युइन, मतलब मेरे को लग भी रहा था जिस दिन मैंने बाकी काम कराया, मेरे को लग भी रहा था, माइंड में चीज आ रही थी, मैंने कहा लेफ्ट साइड का जो फ्रंट का है ना वो मेरे का पुराना पट्टा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मतलब वो चला जाए। लेकिन उस दिन नीचे बोला मेरे को कि कहते अभी के लिए चलने, तो जिस दिन टूटेगा उस दिन देख लेंगे, टूट गया। गाइस ऑफिशियल्स की गाड़ी आ गई है, यहाँ देखो रैली ऑफ हिमालयस ऑफिशियल, यहाँ पे भी। चल जी, एक बंदा गायब है हमारा, कहाँ साहिल भैया गए? भाई साहब ब्लॉग पे ब्लॉग हो रहे हैं यहाँ पे, मैं बंद करता हूँ पहले। रैली से पहले ना गाड़ी चाहिए थी मेरे को बिल्कुल ओके कंडीशन में, गाड़ी होगी ओके कंडीशन, मतलब जब गाड़ी अपने पास आती है ना ओके कंडीशन में ही होनी चाहिए गाड़ी, है ना भाई? क्योंकि हमें गाड़ी ओके कंडीशन में चाहिए थी, हम फिर अपनी तरह चला सकते हैं लाला की तरह, तोड़ने के बाद वापस यहाँ पहुँच जाती है, वापस यहाँ पहुँच जाती है। बाकी लोग हैं और होटल में ही है वो सारे, और रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि ये हेक्टिक होने वाला है सिस्टम सारा, तो हम रेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम करें क्या, हमें घूमना है, हमें गाड़ी चलानी। चलो फिर गेड़ी मार के आते हैं, आपको जिप्सी की राइड देता हूँ, चलो
यार अभी अपने एफपीवी में जुगाड़ हो रहा है क्योंकि गोप्रो है आपको पता है 12 लिया हुआ है तो इसमें ना शॉट्स अच्छे नहीं आते इस वाले कैमरा में तो इसके भी 12 लगाएंगे गोप्रो तो उसके लिए जुगाड़ कर रहे हैं हम कुछ इस तरह से कुछ परमानेंट जुगाड़ करेंगे ताकि अपना जो गोप्रो है वो ना गिरे इससे। तो यार यहाँ देखो हम लोगों ने क्या बढ़िया जुगाड़ कर दिया। सबसे पहले तो जो डबल टेप आती है गोप्रो की वो लगाई है, उसके बाद एम सी लगा दिया, फ्रंट में फैन है ना इससे जगह छोड़ दिया और ये परमानेंट है और एक बार अगर ये सूख गया ना ये नहीं निकलता। ठीक है भाई लगता है आपको निकलेगा? बिल्कुल पक्का काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या गोप्रो जाएगा आपने यहाँ दे दो? रिच पीपल, रिच पीपल, रिच स्टॉक्स। अच्छा अच्छा, रोज आप स्कॉर्पियो तोड़ते हो मेरे को रिच पीपल। किसी ने ना कमेंट किया था जो हमने ब्लॉग में डाला था इसमें, मैंने बोला वेलकम मनाली ऑफ द गाय, अरे क्या इंग्लिश है वो, स्लैंग होता है, स्लैंग होता है। मनोज अंकल की जिप्सी आई है दिल्ली से तैयार होके, कितना पैसा लगा दिया कितना पैसा लगा दिया लेकिन इसमें 1.3 है वो मॉडिफाई किया इंजन, इंजन मॉडिफाई किया आपने ना, बढ़िया है यार। हम भी अपनी गाड़ी में कराएंगे और रैली है जैसे कि तैयार हो रही है, यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है और आपको बढ़िया बढ़िया शॉट गाड़ी के दिखने वाले हैं। आपका एक ही काम है, आप गाड़ी भगाना, मैं पीछे ड्रोन भगाऊंगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया शॉट लेने वाले हैं। मतलब इस टाइम पे मनाली की सिचुएशन ऐसी है, सब जगह गाड़ियां भाई, जिप्सियां, बाकी जितनी भी रैली में जो पार्टिसिपेट कर रहे सब जगह सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं रैली के लिए। इसका मतलब पता है क्या, आपको बहुत बढ़िया कॉन्टेंट दिखने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। 3-4 जो दिन जाने वाले हैं ना बहुत एक्सट्रीम होंगे। यार मेरे ना डीजी भाई वगैरह को भेज दिया है होटल क्योंकि वहाँ पे ना ब्रीफिंग हो रही है और मेरे को म्यूजिक सिस्टम का थोड़ा सा कराने को होता है क्योंकि सिर्फ बेस का साउंड आ रहा है, वॉइस आ ही नहीं रही है, पता नहीं एम का क्या हो गया। तो 10-15 मिनट मेरे को यहाँ पे लगने वाले, मैंने कहा एक काम करूँ वहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है आप लोग जाओ क्योंकि बाकी लोग बुला रहे हैं, मैं पीछे जाता हूँ। हो जाएगा जी सर पक्का? एम्प से यार उस दिन से डायरेक्ट हो गए थे, एक तार मैंने निकाल के रख दी, पता है बिना म्यूजिक सिस्टम का मजा नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम जरूरी है यार। अपनी जिप्सी में ना म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है तो अभी हमने चेक किया, उसमें ना अर्थिंग होगी क्योंकि उस दिन एम्पलीफायर लगाया हुआ था ना, अर्थिंग होगी, अर्थिंग की वजह से क्या हुआ जो टच स्क्रीन है उसकी आईसी वगैरह उड़ गई इसीलिए नहीं चल रहा है, वूफर चल रहा है सिर्फ पीछे का, आगे के जो स्पीकर है वो नहीं चल रहे है। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले, अपनी जो पुंटो है ना, पुंटो खड़ी हो गई है ठीक है नीचे और काफी दिन तक पुंटो रिपेयर नहीं होगी, उसका सामान जलंधर से आ रहा है और जो टच स्क्रीन है ना मैं एक और जलंधर से मंगा रहा हूँ, तो इतने दिन मैं बिना म्यूजिक सिस्टम के नहीं रह सकता हूँ। तो अभी सत्यवीर मैं जा रहे हैं नीचे रांगड़ी, एक काम करते हैं पुंटो से टच स्क्रीन निकाल के लाएंगे और लगाना तो 2 मिनट का काम है क्योंकि जो स्विच वगैरह होते हैं ना पीछे के वो सेम लगने वाले, बस वहां से टच स्क्रीन निकाल के लाएंगे और इसमें लगाएंगे और थोड़े दिन बाद अपनी जो पुंटो का सामान है वो जलंधर से आ रहा है, जैसे कि राउटर हो गया डिस्क वाला क्योंकि उसकी वो चूड़ियां चली गई थी ना वो भी आएगा, टर्बो आ रहा है, साथ में टच स्क्रीन भी मंगा दूंगा। बढ़िया स्क्रीन लग चुकी है अपनी और सिस्टम क्या बढ़िया बज रहा है। यार अभी ना हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे कल के लिए क्योंकि कल पता नहीं रास्ते में कुछ मिले ना मिले, इसलिए आप देख सकते हो पूरी गाड़ी हमने भर दिया सामान से। ओ रेडबुल भी आ गई, चलो कैसा ना हो हम लोग कल गाड़ियों की जगह उड़ रहे हो ये पी के, ओ मेरे को इसलिए तो गाड़ी लेके आने नहीं दिया ना। गाइस अभी हमने शॉपिंग सारी कर ली है कल की, कुछ मतलब 20-30 हजार रुपया फूंक दिया हमने, आग लगा दी उसको हमने तो ये सारा सामान बड़ा हुआ पीछे और अश्विन मैं आपकी शॉपिंग देख के हैरान था, मैं कहा भाई क्या कर गए रे आप लोग, तो अश्विन भाई को हमने पीछे पार्क कर दिया हुआ और अभी हम जिप्सी जो है वो खाना लेके आ रही है हमारा, वो हमारा फूड ट्रक है, फूड ट्रक। तो अभी हम जा रहे हैं वापस होटल, शिशु में होगी स्क्रूटनी गाड़ियों की और जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनकी स्क्रूटनी होगी, हमारी जो ऑफिशियल्स हैं हम हमारी ब्रीफिंग होगी ये सारी, मतलब ये 2 दिन का व्लॉग आएगा ना, 2-3 दिन, 3 दिन का तो व्लॉग आएगा जो वो क्रेजी होगा, उसमें गाड़ियां देखेंगे ऐसे फ्लाई बाय जाती है, जूम 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 करके जाती है गाड़ियां सारी। और आप सब ने डिगी भाई एक चीज में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या प्रोफेशनल की तरह व्लॉगिंग कर रहे हो आप यार? नहीं मैं सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं डिगी भाई, आप लोगों से सीख रहा हूँ सर, सीख नहीं रहे हो। अच्छा मैं वापस तो फिर से ना सेम वही चीज हम लोग रिपीट कर रहे थे, हम लोग नहीं डिगी भाई रिपीट कर रहे थे, कहाँ भाग रहे हो, होटल आ गया जहाँ पे स्टे कर रहे सारे, तो ये ना लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहे हो, डिगी भाई मैं चला रहा हूँ पैदल स्टेयर से और ये बटन दबाते हुए, ये बढ़िया काम है बटन दबाते हुए, वहां देखो अच्छी पहुंच भी है, हम लोग ना हर फ्लोर में बटन दबाते हैं ताकि कहीं ना कहीं तो पतले हो गया, पतले हो गया। अभी ना सब कर रहे हैं ऊपर डिनर, मैं निकल रहा हूँ घर को क्योंकि कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है, एडिटिंग करनी है, डाटा ट्रांसफर मतलब कार्ड्स वगैरह सारे फुल है वो खाली करने हैं। हाँ फिर 2 दिन से गायब, तू कहाँ है भाई? रुकी रुकी कंटेंट, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कबीर आया मिला ही नहीं है भाई, बुरी हालत है भाई, मीडिया टीम तो मीडिया संभाल रहा है ना, और मीडिया में मैं भी समझ सकता हूँ क्या दर्द होता है, कितना कुछ होता है। अभी जाके क्या करना है, एडिटिंग, डाटा ट्रांसफर, इक्विपमेंट चार्ज, अगर कोशिश हो, अगर हिम्मत हुई तो आज की कितनी टीम है साथ में? 8 लोग।
और अभी मतलब ऑफिशियल्स में ना कुछ और लोग आए जो कैमरास लेके आए, वो भी मेरे को फोन कर रहे हैं प्लीज हमको भी कहीं प्लेस करो। मतलब बढ़िया कंटेंट निकल रहा था भाई, तीन चार दिन, चार दिन है, चार दिन गाइज, मतलब चार दिन ब्लॉग्स ना इतने क्रेजी आने वाले हैं। हो गया ढंग से सोई नहीं भाई सबकी, ये हाल है। अभी मेरे को फ्रेंड रिजुल मिला ना, उसकी आंखें लाल के था भाई, 64 दिन से मतलब 64 डेज से मैं सोया नहीं हूँ ढंग से, बोला भाई सोचो हम धर्मशाला से निकले रात को 2:30 बजे, यहाँ पहुंचे ठीक है 9:30 बजे के आसपास सुबह, सीधा निकले बादल और वापस आए भाई, क्रेजी सोए नहीं है, सोए नहीं भाई। फिर यहाँ आया, यहाँ बैठ के पेपर वर्क कर रहा हूँ, अपना जो नोट्स लिए थे मैंने उनको पढ़ रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना है भाई। रात को जाके 12 बजे सोया ना, फिर कल अभी भी सोएगा और अभी भी कहाँ एडिटिंग करनी है खुद को भी। अभी रात के सुबह कितना 6:30 बजे उठना है, 8:30 बजे सिसु पहुंचना है हमको। अभी मतलब मेरे को भी घर जाके ना एडिटिंग वगैरह करनी है, डाटा ट्रांसफर उससे मेन है कि जितने भी कार्ड्स है डाटा है सब मतलब सेट करके मतलब मैनेज करना पड़ेगा सारा, तो टाइम लगने वाला है रात को, मतलब 1-2 ऐसे ही बजने वाले हैं। बाकी कल मिलते हैं, कल का क्रेजी कंटेंट निकलेगा गाइस, कल का कंटेंट ना बहुत क्रेजी निकलने वाला है भाई, स्टे ट्यून्ड ब्रो गाइस, सारे सब्सक्राइब करो यार, इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है इंस्टाग्राम पे जाओ पहले, सबसे पहले आपको दिख जाएगा सब कुछ, दिख जाएगा भाई स्मार्ट हो यार। बाकी अभी घर निकलते हैं, करनी पड़ती है अपने बंदे करते नहीं। बाकी गाड़ियां देखो यार, गाड़ियां मतलब सारी लाइन में लगी हुई है, क्योंकि स्टेज सबके यहीं पे हो रहे हैं ना, लाइन में सारी गाड़ियां लगी है। और सबसे मेन क्या, सबसे मेन क्या है, अच्छा यार ये तो मेरे को दिखी नहीं, जिप्सी भी से लाई हुई, इसकी शाफ्ट टूटी थी डाल दी। ओ भाई ये देखो मैंने हल्के किए, पिछली क्रॉस टूटी गई। ओ भाई तू चला कैसे रहा था, पता नहीं। ओ भाई जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ टूटता है, आज मेरा भी पट्टा टूट गया था मेन यार। ये देख लो, हिसाब लगा लो कि अगर ये जो चीजें खुल गई गया था तो फिर कैसे चल रही थी गाड़ी। फिर मैंने रास्ते में शाफ्ट खोली, 4H में लगाई फ्रंट व्हील ड्राइव जिप्सी। चलो चल मिलते कल, चलो मीडिया गाइस, मीडिया मेरी गाड़ी में लग जाएगा कल, मीडिया या ऑफिशियल मीडिया, मीडिया चलो ठीक है, ओके निकलते घर को यार यहाँ से। हाँ जी गाड़ी कर दी है पार्क, जल्दी से चलते हैं घर को क्योंकि बहुत काम है करने को यार, अभी मतलब 10:30-11 तो बज गए यहीं पे ना, और ड्रोन कुछ इस तरह से जोड़ दिया है, अब घर जाके देखते हैं। मतलब कल ट्रायल होने वाला है, सबसे पहले कल ट्रायल करने वाला हूँ और उसके बाद देखेंगे ये कामयाब है कि नहीं है। बाकी आई होप आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, कल के बाद बहुत मजा आने वाला है, कल के बाद व्लॉग्स क्रेजी आने वाले, ठीक है एडवेंचरस क्रेजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होगी, मज़ा तो बहुत आएगा मेरे को इतना पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, काफ़ी एडवेंचरस व्लॉग आने वाले आगे के, और आई होप आज का व्लॉग भी पसंद आया हो। बाकी काम करते हैं, आज के व्लॉग में एंड करते हैं और आपको मिलते हैं कल के एक एडवेंचरस व्लॉग के साथ। Minimum stress, that's your best, classic dress.